हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम कुछ पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे, तो वक्त की बहुमूल्यता को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ पर्यायवाची शब्दों की सूची मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जिन्हें आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। एक तरफ पद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके समानार्थी या समानार्थक या पर्यायवाची शब्द, जिन्हें मैं एक एक करके पढ़ूंगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अमृतम यानी अमृत, जिसके पर्यायवाची पद हैं सुधा, पीयूषम, सोमम। अहंकार यानी अहंकार, पर्यायवाची पद हैं गर्व, मदह, दर्प, अभिमानम। अक्षी अर्थात नेत्र यानी आँखें, पर्यायवाची पद हैं नेत्रम, नयनम, लोचनम, दृगह। अग्नि अर्थात आग, पद हैं पावकः, अनलः, वहिनी। अम्बरम अर्थात आकाश, जिसके पर्यायवाची पद हैं नभः, अंतरिक्षम, आकाशः। आम्रः अर्थात आम, जिसके पर्यायवाची पद हैं रसालः, पिकबंधुः, सहकारः। असुरः अर्थात असुर, पर्यायवाची दैत्यः, दानवः, दनुजः, निशाचरः। अरण्यः अर्थात वन या जंगल, विपिनः, काननः, गहनः, वनम्। अश्वः अर्थात घोड़ा और पर्यायवाची हैं तुरंगः, बाजः, सैंधवः, रविपुत्रः। इंद्रः अर्थात इंद्र, जिनके पर्यायवाची पद हैं शक्रः, सुरेशः, महेंद्रः, शचीपतिः। ईश्वरः अर्थात भगवान, ईश्वः, परमेश्वरः, प्रभु, जगदीशः। उत्सवः अर्थात उत्सव, पर्वः, समारोह, जलसा। उद्यानः अर्थात उद्यान या वाटिका, जिसका पर्यायवाची पद है उपवनः, चमनः, वाटिका। उदरः अर्थात उदर यानी पेट, और इसके पर्यायवाची पद हैं कुक्षिः, तुद, जठरः। कमलम अर्थात कमल, जलजम, पंकजम, उत्पलम, अरविंदम। कामदेवः अर्थात कामदेव, मदनः, रतिपतिः, मनसिजः, अनंगः। कनकः अर्थात सोना, स्वर्णः, कंचनः, कुंदनः, हेमः। केशः अर्थात बाल, अलकः, कचः, कुंतलः। कान अर्थात कान, कर्णः, श्रोतः, श्रवणः। कामधेनुः अर्थात कामधेनु गाय, सुरभिः, सुरधेनुः, देवधेनुः। कृष्णः अर्थात भगवान कृष्ण, गोपालः, वासुदेवः, केशवः। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, देवनदी। गजः अर्थात हाथी, हस्ती, करी, मातंगः, द्विपः, द्विरदः। गृहम् अर्थात घर, सदनम्,
भवनम, आलयः, निकेतनम। गणेशः अर्थात भगवान गणेश, गजाननः लंबोदरः विनायकः, गरलः अर्थात जहर, विषः हलाहलः कालकूटः, गुरुः अर्थात टीचर या अध्यापक, अध्यापकः शिक्षकः आचार्यः, गोदः अर्थात गोद, अंकः क्रोडः उत्सर्गः। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे इसके अगले भाग में कुछ और भी पदों के पर्यायवाची शब्दों के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए और अपना कार्य समय पर पूरा करके मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। थैंक यू।